हेलो, दिस इज़ काशी। वेलकम बैक टू माय चैनल काशी होम डेकोर आइडिया। और अच्छी खबर ये लेकर आए हैं कि आज का बॉटल क्राफ्ट एकदम यूनिक है। अब यहाँ किया है ग्रीन लीव्स के बीच छिपे हुए ड्रैगन को क्रिएट। वाइट ब्लू में थोड़ा सा पानी डालकर टिश्यू पेपर से कवर और इसे पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ा है। और यहाँ लिया है ट्रांसपेरेंट ग्लास पेपर और यहाँ लगेगा हमें ब्लैक एक्रेलिक कलर और जीरो साइज का ब्रश। अब मैं ग्लास पेपर को थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा देती हूँ। ये पेपर एकदम राउंड नहीं है, एक तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है और एक तरफ से एकदम से फ्लैट है। इसकी एग्जैक्ट पोजिशन में आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसी तरह हमने यहाँ पे दो पेपर लिए हैं ड्रैगन की दोनों आंखें बनाने के लिए। और इसकी आंखें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत बेसिक सी पेंटिंग की है। इस ब्लैक कलर को पूरी तरह से सूखने छोड़ा है। अब यह लिया है मेटेलिक गोल्ड। अब इसे फिंगर से टैप करते हुए इस तरह से लगाना है। इसे क्लोज करके दिखा देते हैं। इसके बाद लिया है रेड पर्ल कलर, इसे भी टैप करते हुए पेबल के चारों तरफ लगा दिया है। अब इसके दूसरे साइड से ये इस तरह से नजर आएगा। यहाँ टिश्यू पेपर से कवर किया हुआ बॉटल अब पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ आइस को सेंटर में लगाया जाएगा। यहाँ लिया है फॉर्म, आप किसी भी तरह का फॉर्म यूज कर सकते हैं। ड्रैगन की आइस बनाने के लिए इस तरह की शेप काट के तैयार की है। इसके सेंटर में निशान लगाकर कट कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ इसके आई बॉल को फिट करेंगे। यहाँ ग्लू गन से दोनों आईज को फिट किया है। अब यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज करके दोनों फॉर्म को आई बॉल पर इस तरह से स्टिक कर देना है। आप ड्रैगन के आईज के ऊपर की स्किन को दिखाने के लिए फॉर्म के पीसेस को इस तरह से कट करेंगे। यहाँ इस तरह का शेप कट करके तैयार कर लिया है। अब इसे आईज के अप एंड डाउन दोनों साइड पर लगाया है। स्किन को डिटेलिंग देने के लिए हाफ लीफ का शेप कट किया है और इसी तरह और भी पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और शेप्स की लीफ को कट कर लिया है, जो लगाते समय आगे आपको दिखाऊंगी। अब लीव्स की डिटेल्स को कट कर लिया है। डिटेलिंग के लिए लीव्स की कुछ राउंड शेप को भी कट किया है। और ये है कुछ लीव्स की डिफरेंट शेप्स और साइज जो मैंने कट करके रखी हुई हैं। यहाँ फोम से सारी कटिंग्स तैयार हो चुकी है। अब हम इन सभी को स्टिक करेंगे। इसी तरह कट की हुई बड़ी लीव्स को भी वीडियो में दिखाए गए तरीके से लगाते जाना है।
इसके बाद हमने यहाँ लिया है थर्माकोल का बॉल। इसके अलावा आप यहाँ प्लास्टिक का बॉल भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में लिया था। इसे यहाँ ग्लू लगाकर टिश्यू पेपर से कवर किया है। इसके अलावा हम एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी ग्लू लगाकर टिश्यू पेपर से कवर करके इसको तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ थर्माकोल की बॉल को कवर करके तैयार कर लिया है। अब इसे बॉटल के ऊपर इस तरह से एयर ड्राई क्ले से स्टिक कर दिया है। और अब इस पर भी फॉर्म की लीव्स को स्टिक करते जाइए। यहाँ हमने फॉर्म का काम खत्म कर लिया है। अब हम इस पर करेंगे कलर। यहाँ लिया है ब्लैक जैसो। आप आई बटन क्लिक करके इसका फुल ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। पेंट होने के बाद यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है। मैंने यहाँ इसे ऐसे ही छोड़ा है क्योंकि आगे मुझे इसमें ग्रीन के शेड ही करने हैं। आंखों की डिटेलिंग के लिए एयर ड्राई क्ले से छोटे छोटे बॉल बनाकर डिटेलिंग दी है और इसे व्हाइट ग्लू से स्टिक किया है। यहाँ क्ले से बेल बनाकर तैयार की है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पूरी तरह सूखने के बाद बॉटल पर करेंगे ब्राउन एक्रेलिक कलर। ब्राउन कलर पूरी तरह से सूख चुका है। अब यहाँ लिया है डार्क ग्रीन पर्ल कलर। और अब इसी में हमने एक और लाइट शेड यूज़ किया है। और अब हमने यहाँ लिया है लाइट पर्पल। और हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं स्काई ब्लू। अब लिया है लाइट ग्रीन कलर। यहाँ डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर से ड्राई ब्रश मेथड से स्ट्रोक दिए हैं। अब लिया है यहाँ गोल्डन कलर। इसे फिंगर से टैप करते हुए डिटेल्स पे लगाना है। अब यहाँ लिया है सिल्वर मेटेलिक कलर। बस इसे टैप करते हुए थोड़ा थोड़ा सा लगाना है।
अपने आर्ट पीस के कलर्स को प्रिजर्व रखने के लिए आप इस पर वार्निश का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्प्रे वार्निश का यूज किया है। तो आज की बॉटल बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह के बॉटल क्राफ्ट आइडियाज के लिए चैनल को विजिट जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।